क्या बोल रही है पब्लिक, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। पिछले एक साल पहले हमने जब प्लान किया था कि कनाडा जाना है, तो मुझे अंकित ने बोला था कि भाई आईएलटीएस एग्जाम देना पड़ेगा। मुझे पता नहीं था कि आईएलटीएस क्या है, तो मैंने सर्च किया तो ये आया, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। और मुझे बहुत लोगों ने ये भी बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी किसी का क्लियर नहीं होता है मैक्सिमम, तो साला बहुत सारा कन्फ्यूजन था मेरे माइंड में। तो आई होप कि आपके दिमाग में भी ये सब होगा, तो डोंट वरी, मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके भाई ने कैसा क्लियर किया, 6.5 बैंड लाया। आई नो दैट 6.5 इतना अच्छा बैंड नहीं है, जो भी मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कोचिंग क्लासेस में जाकर, तो आप लोग मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको एटलीस्ट 50% तो आपको यूज़ होगा। हाँ तो गाइस, ये आईएलटीएस होता क्या है, जब अभी स्पीकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया में लोकली हिंदी बात करते हैं, राइट। अभी आप यूके जाओ, यूएस जाओ और कनाडा जाओ, वहाँ पे लोकली इंग्लिश बात किया जाता है। अगर आप वहाँ पे पढ़ने जाओ, यहाँ वहाँ पे सेटल होने जाओ, आप वहाँ के लोगों से कैसे इंटरेक्ट करोगे? तो ये सब रीजंस के लिए आपको इंग्लिश एग्जाम देना मैंडेटरी है। और ये आईएलटीएस एग्जाम दो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करता है, एक हो गया आईडीपी, दूसरा हो गया ब्रिटिश काउंसिल। तो अभी मैंने ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू दिया था, तो आपके ऊपर है कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो। मेरा ब्रिटिश काउंसिल मैंने क्यों सेलेक्ट किया, उसका काफी सारे रीजन थे। कॉस्ट तो 14,000 ही होगा, आप आईडीपी से करवा लो या ब्रिटिश काउंसिल से करवा लो, कॉस्ट तो सेम होने वाला है। और आपको कैसे टेस्ट बुक करना है, मैं आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो वो लिंक के थ्रू आप कर सकते हो। अभी एक्चुअली एक दो तीन महीने से ये सेंटर्स बंद थे बिकॉज ऑफ दिस COVID-19, बट अब उन्होंने फिर से सेंटर्स खोल दिया है विथ सम प्रिकॉशन, बट अभी सेंटर्स चालू हो गए, आप लोग जा सकते हो अगर आपका प्लान है नेक्स्ट जैन या सितंबर इनटेक में जाने का। तो बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने कैसे क्रैक किया विदाउट गोइंग टू एनी कोचिंग सेंटर, मैं वो हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। गाइस स्टे कनेक्टेड। तो गाइस, हम लोग ने भी जो हर एक स्टूडेंट के लाइफ में होता है, हम लोग के साथ भी वही चीज़ हुआ। हमने सोचा था कि एग्जाम देंगे, चलो कल से पढ़ाई शुरू करते, परसों से करते, मंडे से करते, नेक्स्ट वीक से करते, ऐसा बोल के हम लोग ने 20 डेज वेस्ट किया। तो हमने सोचा भाई अब इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 2 महीने के बाद का हम लोग ने एक टेस्ट बुक कर लिया। तो अभी नो मैटर व्हाट हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग ने क्या किया, हमारे पास 60 डेज का टाइम था, अगर आपने एक बार एग्जाम बुक कर लिया तो साला आप तो झक मार के पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमारे पास 60 डेज का टाइम था, हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने रोज 90 मिनट फिक्स किया हम लोग ने खुद के लिए। तो पहला दिन रीडिंग एंड लिसनिंग करते थे, सेकेंड डे राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो विद इन 60 डेज आपका रीडिंग लिसनिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग टोटल 30 सेट्स हो जाते थे। अगर आप ही सोचो, अगर आपने 30 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया इन ईच सेक्शन, तो आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो भाई आईएलटीएस। तो मुझे इतना अच्छा बैंड तो नहीं आया था भाई, मुझे तो 6.5 बैंड ही आया था। तो 6.5 बैंड वॉज इनफ फॉर गेटिंग एडमिशन इन एनी कैनेडियन कॉलेज, बट फॉर गेटिंग एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी देन 6.5 विल नॉट सफाइस। सो डेफिनेटली यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 7 बैंड। सो गाइस, नाउ आई विल गिव यू सम आइडियाज, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ वी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द 60 डेज। सो गाइस, अभी हम लोग ने कैसे किया था, सो वी प्लान, एज आई सेड, वी प्लान 90 मिनट्स पर डे। तो मॉर्निंग आई यूज टू कॉल अंकित, देन हम दोनों साथ में रीडिंग करते थे, लाइक हम लोग एक कोई भी एक सेक्शन उठा लेते थे एंड देन वी यूज टू दैट रीडिंग, हम देन आंसर वेरीफाई करते थे। तो रीडिंग लिसनिंग एंड राइटिंग का यही फंडा चलता रहा, स्पीकिंग का मेन इशू था। तो स्पीकिंग के लिए हम लोग, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप क्या करो, आप आपके फ्रेंड को वीडियो कॉल करो और वीडियो कॉल में आप एक टॉपिक ले लो, वो टॉपिक पे आप उसको क्वेश्चन पूछो, यू एक्ट लाइक यू आर द इंटरव्यूअर एंड ही इज द कैंडिडेट, एकदम प्रोफेशनल वे में करो। मैं मानता हूँ कि पहला 2 दिन बहुत हंसी मजाक होगी, हम लोग तो हंसी रहे थे, ये बात याद रखना दोस्तों। अगर आपने आपके बेस्ट फ्रेंड या आपके फ्रेंड के सामने अगर आपने इंग्लिश में एकदम प्रॉपर वे में अगर आपने कम्युनिकेट कर लिया, तो आप कोई भी इंटरव्यू के सामने इतना कॉन्फिडेंटली जा सकते हो ना कि भाई 6.5 के आपको 7 बैंड भी 7.5 8 बैंड भी इजीली मिल सकता है। तो स्पीकिंग के लिए हम लोग ने ये किया था, हम एक दूसरे को वीडियो कॉल में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर कर देते, हमने डिफरेंस देखा, हम लोग ने रिकॉर्ड भी किया था। तो वीडियो 1 एंड वीडियो 30 में इतना डिफरेंस था ना, मेरे को शौक हो गया कि भाई इतना इंग्लिश इंप्रूव हो गया है। हालांकि ये बात है कि अभी हम लोग का इंग्लिश वापस थोड़ा बेकार हो गया बिकॉज हम लोग ने वो ट्रैक पे नहीं रखा, आफ्टर आईएलटीएस हमने छोड़ ही दिया वो सब करना। You can use this trick if you want to improve your communication skills. And guys, and some important points for IELTS. Ye cheez dhyan rakhna. You shouldn't repeat the same word twice, whether it may be in writing or speaking. And you should avoid common words like nice, beautiful, wonderful. Why? Ye sab use mat karna. Interviewer bahut dhyan dete.
तो ये सब चीज़ मोस्टली अवॉइड करना। मैंने क्या किया था, एक कॉमन सजेशन देता हूँ, अगर आप कोई टीवी शो देख रहे हो या फिर कोई वेब सीरीज देख रहे हो हॉलीवुड के, डेफिनेटली एटलीस्ट ऐसा एक या दो वर्ड तो आपको हर एक एपिसोड में मिलता होगा जो थोड़ा डिफिकल्ट है समझना। मेरे लिए तो था भाई, फ्रैंकली बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, मैं उसे गूगल सर्च करता था एंड उसे अपने मोबाइल के नोटपैड में लिख के रख लेता था। तो और मैं क्या करता, जब व्हेन आई एम कम्युनिकेटिंग विद समवन और व्हेन आई एम हैविंग दिस स्पीकिंग इंटरव्यू, आई ट्राई टू यूज दैट वर्ड। अगर मैंने एक बार सक्सेसफुली यूज किया ना तो मेरे दिमाग में बैठ जाता था। तो इवन यू कैन ट्राई दैट, शाई मत फील करो कि भाई वेब सीरीज देख रहा हूँ तो उसका वर्ड लेके मैं नोट करके, ऐसा शाई बिल्कुल भी शर्माओ मत, बिंदास यूज करो। अगर नहीं आता तो नहीं आता था भाई, इतना ये सोचना मत। तो मैं आपको हर एक टेस्ट का पैटर्न बताता हूँ। अभी जैसे रीडिंग में तीन सेक्शन होते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट वन इज द इजिएस्ट वन, पार्ट टू थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, पार्ट थ्री भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो माई सजेशन विल बी पार्ट वन के लिए 15 मिनट्स हो, पार्ट टू के लिए 20, पार्ट थ्री के लिए 25 मिनट्स, बिकॉज पार्ट थ्री के लिए टाइम बहुत टाइम लगता है। मैंने तो 8 क्वेश्चंस मटका लगा दिया था पार्ट थ्री का। तो पार्ट वन ईजी होता है तो तुम लोग ईजिली उसको 15 मिनट्स में क्रैक कर सकते हो। लिसनिंग के लिए आप थोड़ा ध्यान से सुनना, अभी कोई गलती से आजू बाजू में डिस्टर्बेंस आ जाता है तो वहाँ पर ध्यान मत देना, मेरे साथ हुआ था। मैंने जैसे टेस्ट चालू किया तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया, अभी जैसा देखो मैंने यहाँ पर देखा, ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उसकी वजह से आपका एक दो मार्क छूट जाता है, तो वो चीज़ मत करना। स्पीकिंग के लिए मैंने ऑलरेडी टिप्स दे दिया है। स्पीकिंग का तीन सेक्शन होते हैं, पहला सेक्शन दीजिए बेसिक इंट्रोडक्शन, आपके बारे में पूछेंगे। फिर सेकेंड सेक्शन में आपको कार्ड दिया जाएगा, वो कार्ड में 3-4 पॉइंट्स होंगे, आपको 1 मिनट दिया जाएगा, उसके बारे में आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। वो 1 मिनट के बाद यू शुड स्पीक ऑन द टॉपिक कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स। एंड इम्पॉर्टेंट नोट इज दैट यू शुडंट स्टॉप टॉकिंग अंटिल योर इंटरव्यू टेल्स यू टू स्टॉप। मेरे साथ ये पॉपआउट हो गया था, मैं आउट ऑफ टॉपिक हो गया था और लाइक आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक एंड मैं उनको स्टेयर कर रहा था, शी वॉज लाइक और बोलो। तो आपको रुकना नहीं, आपको कंटिन्यूस 2 मिनट बात करना है। देन थर्ड सेक्शन में बेस्ड ऑन दिस पार्ट टू, आपको थर्ड सेक्शन में उसके बेस पे थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे। सपोज अभी पार्ट टू में आपको स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया था वो कार्ड में, तो पार्ट थ्री में आपको पर्सनल व्यूज और पर्सनल सजेशन पूछेंगे, आपका फेवरेट प्लेयर कौन था एंड ब्ला 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 ऐसा। तो स्पीकिंग का 11 to 15 मिनट्स के अंदर हो जाता है। सो गाइस, आईएलस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो इतना डरो मत। नाउ आई डोंट रिग्रेट दैट आई डिडंट वेंट टू एनी कंसल्टेंसी और आई डिडंट वेंट टू एनी कोचिंग क्लासेस। मैंने जो भी किया खुद से किया, खुद के मेहनत से 6.5 लाया, सो आई कैन प्राउडली से दैट इवन माय इंग्लिश इज नॉट एज गुड एज अदर स्टूडेंट्स, बट वॉट एवर आई स्कोर्ड बाय माई सेल्फ। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो या आप लोग को लगता है कि आपको आप में कॉन्फिडेंट है कि आप लोग खुद से कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट शेडिंग बाय योर सेल्फ एग्जाम। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपका प्लान है कि नेक्स्ट इनटेक में अब्रॉड जाना है, कैनाडा, यूके, यूएस, एनीवेयर, तो एक 60 डेज के गैप में एक आईएलएस का टेस्ट बुक कर लो और कल से पढ़ाई चालू करो। ये मत सोचना कि कल से करूँगा, परसों से, नर्सों, ये सब छोड़ दो गाइस। आई होप यू गाइस ये वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। तो इफ यू हैव स्पेंट योर प्रेशियस टाइम वॉचिंग दिस वीडियो, देन डू गिव इट अ लाइक और डिसलाइक। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट सम टॉपिक्स इन द कमेंट सेक्शन। एज यूजुअल, ड्रीम बिगर, अचीव बिगर एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। सो हैविंग सेड दैट, साइनिंग ऑफ, तुमचा वन टाइम। भाई अंधेरा हो गया यार, बहुत मेहनत करके वीडियो बना, एक लाइक तो करके जाओ।